हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेई एग्जाम 2011 का जो है पार्ट फोर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द आरसी कॉलम शैल नॉट एक्सीड। तो लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग जो है, लॉन्गिट्यूडनल बार में जो है स्पेसिंग पेरिफेरी के अलोंग जो है 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग पेरिफेरी ऑफ कॉलम शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। ये स्पेसिंग जो है 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉलम में जो है डाया जो है लेस 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है 4 प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉलम में, और सर्कुलर में जो है मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो है 6 प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन टू है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर आई एस 456 इज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का लेते हैं 0.7 अंडर रूट एफसी के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ 20 mm डाउन कोर्स एग्रीगेट आर यूज, मिनिमम सीमेंट कॉन्टेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मस्ट नॉट लेस देन। तो माइल्ड कंडीशन के लिए जो है हम M20 ग्रेड कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, और मिनिमम सीमेंट जो है 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.55 हो सकता है। मॉडरेट के लिए 300 किलोग्राम मिनिमम सीमेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 300 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर फोर है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्वेश्चन फाइव है, ऑल आरसी कॉलम्स मस्ट बी डिजाइन फॉर अ मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ। तो ई मिनिमम होना चाहिए इक्वल टू L/500 + 3/30 और 20 mm, विच एवर इज ग्रेटर। तो ऑप्शन सी है, L/500 + D/30। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स है, द मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन जो है 10 mm, 13 mm, 20 mm, 25 mm। तो 20 mm आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रिइंफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेव मोर देन 300 mm इज। ऑप्शन ए है 300 mm, विड ऑफ वेव ऑफ द बीम स्मॉलर ऑफ ए एंड बी ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं जब वेव जो है डेप्थ जो है वेव का 750 mm से ज़्यादा होता है, तो हम 0.1% जो है वेव एरिया साइड फेस रेनफोर्समेंट बोथ साइड में प्रोवाइड करते हैं। और स्पेसिंग जो है ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 300 mm, और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 mm एंड विड ऑफ वेव ऑफ द बीम स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट है, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो मैक्सिमम साइज जो है कोर्स एग्रीगेट लिमिट किया जाता है 20 mm एज पर आईएस कोड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20 mm। क्वेश्चन नाइन है, द मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन डेट ऑफ कंक्रीट इट इंडिकेट डेट स्टील इज। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्टील का ज़्यादा है कंक्रीट से, तो मोर इलास्टिक होगा स्टील। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मोर इलास्टिक जो है कंक्रीट होगा देन स्टील होगा देन कंक्रीट। नेक्स्ट है, द एस्टिमेट 28-day crushing strength of concrete cubes from 7-day क्यूब स्ट्रेंथ वी मल्टीप्लाई द 7-day क्यूब स्ट्रेंथ बाय। तो 7-day स्ट्रेंथ कंक्रीट का बाय 28-day जो है स्ट्रेंथ का रेशियो होता है 2/3। तो 28-day क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब फ्रॉम 7-day हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5। क्वेश्चन 10 है, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स द डायरेक्ट टेंसाइल क्वेश्चन नंबर 9 है, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। ऑप्शन ए है द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन बी है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रप्चर देता है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन। ऑप्शन है बीम्स, कॉलम्स, वॉल्स, कॉलम्स मोनोलिथिकली बिल्ट विथ स्लैब। तो फ्लैट स्लैब जो है सपोर्टेड होता है कॉलम विथ जो है मोनोलिथिकली बिल्ट विथ स्लैब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फ्लैट स्लैब कंसिस्ट ऑफ एन आरसीसी स्लैब बिल्ट मोनोलिथिकली विद द सपोर्टिंग कॉलम एंड रेनफोर्स्ड इन टू और मोर डायरेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 साइड फेस रेन्फोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम एक्सीड्स। तो जब डेप्थ ऑफ बीम वेव जो है एक्सीड करता है 750 mm, तब हम जो है साइड फेस रेन्फोर्समेंट बोर्ड साइज जो है प्रोवाइड करते हैं और रेन्फोर्समेंट जो है 0.1% वेव एरिया प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ वेव, ऑप्शन बी है यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, ऑप्शन सी है यूजिंग थिकर बार बट लेस इन नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। थिनर बार और मोर नंबर में अगर प्रोवाइड करने से क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू IS 800/1984 द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन स्टील इज। यहाँ पे FY जो है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, तो टेंशन में एक्सियल टेंशन में हम जो है परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं 0.6 FY, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे पूछता कि बियरिंग स्ट्रेस हम कितना लेते हैं परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, तो 0.75 लेते हैं FY, बेंडिंग स्ट्रेस जो है 0.66 FY लेते हैं और सीयर स्ट्रेस जो है 0.45 FY लेते हैं। नेक्स्ट है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट होल फॉर ए रिवेट विथ नॉमिनल डायमीटर ऑफ 27 mm। अगर 25 mm से ज़्यादा अगर नॉमिनल डाया है तो ग्रॉस डाया को फाइंड आउट निकालने के लिए हम 2 mm को ऐड करेंगे, तो 27 + 2 हो जाएगा 29 mm, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर 25 mm से लेस हो तब हम 1.5 mm ऐड करते हैं। क्वेश्चन 15 है, व्हेन टू प्लेट आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर ज्वाइनिंग बाय टू कवर प्लेट्स द जॉइंट इज नॉन एज। तो यहाँ पे दो प्लेट जो है टू प्लेट ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड और ये दोनों जो है कवर प्लेट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डबल कवर बट ज्वाइंट कहेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल कवर बट ज्वाइंट। अगर एक दूसरे प्लेट में अगर ओवरलैप किया जाता तो उसे हम लैप ज्वाइंट कहेंगे। नेक्स्ट है, एज पर कोडल प्रोविजन द इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय। कैंटिलीवर कॉलम है तो एक साइड फिक्स होगा और एक साइड फ्री होगा, तो इफेक्टिव लेंथ जो है 2 times हो जाएगा लेंथ के, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2L। क्वेश्चन 15 है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल शुड बी ग्रेटर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट बाय अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होल डायमीटर निकालने के लिए हम जो है नॉमिनल डायमीटर में 1.5 mm ऐड करते हैं जब डायमीटर जो है नॉमिनल लेस देन 25 mm हो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो 25 mm तब हम ऐड करते हैं 2 mm, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बियरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड एट। ऑप्शन है मिड स्पान इक्वल इंटरवल सपोर्ट न्यूट्रल एक्सिस। बियरिंग स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सपोर्ट। लोड बियरिंग स्टिफनर आर वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइडेड एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड पॉइंट ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट है, द आउटस्टैंड ऑफ वेव स्टिफनर इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस ऑफ फ्लैट टी शुड बी। आउटस्टैंड हम प्रोवाइड करते हैं लेस देन 16 t, फोर फ्लैट सेक्शन के लिए हम जो है 12 t प्रोवाइड करते हैं, लेस देन 12 t, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, एज पर IS 800/1984 द लेसिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर शैल बी प्रोपोर्शनल टू रेसिस्ट अ टोटल ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस एस इक्वल टू एटलीस्ट। तो यहाँ पे जो है हम डिजाइन करते हैं ट्रांसवर्स शियर 2.5% ऑफ एक्सियल लोड के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन सीयर फॉर पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो है पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट के लिए हम जो है 100 Nm² लेते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट के लिए जो है सीयर स्ट्रेस हम 100 लेते हैं, बियरिंग स्ट्रेस सॉरी यहाँ पे 300 होगा, 300 Nm² लेते हैं, और हैंड ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट के लिए हम जो है लेते हैं सीयर स्ट्रेस जो है 80 लेते हैं और बियरिंग स्ट्रेस जो है 250 लेते हैं। अगर यहाँ पे जो है सॉफ्ट रिवेट की जगह पे फील्ड रिवेट हो तो परमिसिबल स्ट्रेस जो है हम रिड्यूस कर देंगे 10%। क्वेश्चन नंबर 20
20 है, इफ अ 2 सेंटीमीटर डायमीटर रिवेट कनेक्ट टू प्लेट एज शोन बिलो, द सेप शियर स्ट्रेस फॉर रिवेट इज 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल पुल विल बी, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकालना है पुल के लिए शियर स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस में तो यहाँ पे डाया दिया हुआ है 20 mm जो है नॉमिनल डाया, तो ग्रॉस डाया जो है हो जाएगा 20 mm प्लस 1.5 mm, तो ग्रॉस डाया हो गया 21.5 mm, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल शियर में हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी डाया जो है होल डाया का स्क्वायर इंटू सिग्मा एस जो है यहाँ पे है शियर स्ट्रेस, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 3630 किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है, तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो मैक्सिमम हम ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दे सकते हैं।